तो हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। ब्लॉग नंबर 6 में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार की राजधानी यानी कि पटना के बारे में। दोस्तों, जब भी आप पटना स्टेशन पे उतरे और महावीर मंदिर के पास पहुँचे और आपको लग गई हो भूख, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसे होटल में ले जाऊँगा जहाँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको खाने के लिए नाश्ता के साथ साथ सारी चीज़ें और स्वीट्स भी मिलेगा। तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिंधी चाट एंड स्वीट्स, जो कि महावीर मंदिर और मस्जिद के बीच में पटना आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। यही नहीं, देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से भीड़ लगी हुई रहती है कस्टमर्स की। यहाँ पे देख सकते हैं 2 जलेबी 4 पूड़ी 1 दही बड़ा 50 रुपये में, जो कि काफ़ी टेस्टी और काफ़ी मज़ेदार तरीके से खिलाया जाता है। सबसे बड़ी बात इस होटल का मैं आपको बता दूँ तो आप लोग सुनकर हो जाएंगे तंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस होटल में आपको गंदगी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर्स कितनी भरी पड़ी है और यहाँ पे किस तरह से कस्टमर्स के लिए सुविधाएं इस होटल के मालिक ने दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे व्यवहार के हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो आप बच्चों को ले जाते हैं तो बच्चों के लिए भी यहाँ पे खास ध्यान में रखते हुए उनके लिए टॉफ़ी और कई सारे स्वीट्स भी हैं। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको तरह तरह के मिठाइयाँ भी मिलती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के फेमस, सबसे फेमस चाट यानी कि पापड़ी चाट, जो कि आपको 70 रुपये प्लेट खिलाई जाती है, जो कि कस्टमर्स यहां पापड़ी चाट के लिए हमेशा भीड़ लगी हुई रहती है। इस होटल का सबसे बड़ा खासियत है कि यहां पे आपको साफ़ सुथरा और आपको हेल्थ के ध्यान में रखते हुए कई सारे मिठाइयां बनाई जाती है, जो कि कस्टमर्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैं आपको रसगुल्ला दिखा रहा हूँ, जो कि कितने साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे स्टॉल पे रखे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ में सबसे पहले यहाँ इस होटल में यहाँ के ऑनर देखते हैं स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता ही सारे कस्टमर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अभी तक इस होटल में विजिट नहीं किए हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लोकेशन का लिंक, और आप आसानी से पटना जब भी जाइए तो इस होटल में एक बार ज़रूर विजिट करें। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ के खाना आपको कैसा लगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टेशन के नज़दीक कोई भी ऐसा होटल नहीं होता जो आपको साफ़ सुथरे खाना खिलाए, लेकिन मात्र एक यही होटल है जो आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खाने की सुविधा दे रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिंधी स्वीट्स एंड चाट, जो कि काफ़ी फेमस होटल है, कई सालों से इस होटल की अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आ रहा। करीब ये होटल 30 साल, मेरे नज़र से 30 साल पुरानी होटल है, लेकिन अभी तक इस होटल का कोई भी शिकायत नहीं आया है। सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर्स की कितनी भीड़ लगी हुई है, और कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पहले से ही उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन की सुविधा भी चाहते हैं तो इस होटल में आपको ऑनलाइन से आपको पार्सल भी किया जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं कि इस होटल की खास बात है दोस्तों कि यहां पे देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा कितनी दिखाई जा रही है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त। स्टेशन के नज़दीक ऐसा कोई भी होटल नहीं होता है जो कि इतना साफ सुथरे रखता है। सबसे बड़ी योगदान इस होटल के मालिक को जाता है, जो कि इतना कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से मिठाइयों के साथ हमारे लिए ड्राई फ्रूट भी रख रहे हैं। यही नहीं, हमारे लिए नाश्ता की भी व्यवस्था किए हुए, और यहाँ पे आपको फास्ट फूड की भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से व्यवस्था की गई। अगर अभी तक विजिट नहीं किए तो एक बार ज़रूर जाइए। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लोकेशन का लिंक दे दूंगा। आज के वीडियो में इतना।